हेलो, व्हाट इज दिस इज योर फ्रेंड फशेर इंजीनियर हियर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज ये वाला वीडियो भले ही होगा अपना इंट्रोडक्शन ओनली, इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है? विंडोज, मैक ओएस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ हार्डवेयर। और हमारा सब्जेक्ट खत्म। ऐसे थोड़ी होता है यार, बहुत सारा वो काम कैसे करेगा, उसमें कितने सिस्टम कॉल्स होंगे, बाकी प्रोसेसेस कौन से होंगी, शेड्यूलर्स कौन से होंगे, अल्गोरिदम्स क्या क्या यूज करेंगे, शेड्यूलिंग के अल्गोरिदम्स है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पेजिंग आ गया, अपना सेगमेंटेशन आ गया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये हर बार आपको 10 मार्क के लिए जरूर देखने को मिलता है, और इसमें से 6 मार्क ऐसे होते हैं कि अगर नॉर्मली बच्चा 5-6 भी यूट्यूब के वीडियो देख के जाए, 5-6 भी यूट्यूब के 10 मिनट के वीडियोस भी देख के जाए ना, तो 5-6 मार्क स्कोर करके जरूर आ सकता है। क्योंकि यार कंसेप्ट ही ऐसे होते हैं। क्या है कंसेप्ट? फीफो है, बाद में क्या है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, बाद में क्या है शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट है, बाद में क्या है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट है भाई। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज आएंगी। पेज रिप्लेसमेंट में आगे अगेन क्या है, फीफो है, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है, बाद में और क्या, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है इसमें जो कि आपके 5 से 10 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आपको गेट में हर बार आते हैं? हाँ, 2 मार्क के लिए जरूर आते हैं। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो हर बार 2 मार्क के लिए आता है। और कंसेप्ट क्या है भाई, अगर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी ये सिखाया ना, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को, वो भी कर लेंगे। इतना ईजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा नॉलेज एडवोकेट चाहिए उसके लिए। क्या होता है अगर क्वेश्चन कैसे हमारे गेट वालों ने अगर घुमा के पूछे, तो उसमें क्या कंफ्यूजन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसके वेरिएशन क्या क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले तो गेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना सिलेबस देख लेंगे। ओके, ये वाला अगर आप प्लेलिस्ट करोगे, ऐसा मानना नहीं है कि गेट के लिए इफिशियंट है। आप एक लेवल के बाद, ये प्लेलिस्ट करने के बाद इतने मैच्योर हो जाओगे ये सब्जेक्ट में कि आपके सेमेस्टर एग्जाम जो होंगे उसके लिए आपको बस वीडियोस देखोगे ना ये वाले, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअली हमारा फोन कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअली हमारा लैपटॉप कैसे वर्क कर रहा है। और बहुत सारा इंटरफेस हम जो की और ये कीज के थ्रू, माउस के थ्रू जो टच कर रहे हैं, वो सिस्टम कॉल कैसे जा रहा है, कैसे उसको टाइम मिल रहा है, उसको एक टाइम स्लॉट मिल रहा है, राउंड रॉबिन कैसे हो रहा है उसका, और बाद में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अगर कुछ इमरजेंसी प्रोसेस रही तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैसे हो रही है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक कि यार इसमें पीएचडी कर लो, मजा आ जाएगा। पता है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग। ज्यादा टाइम ना लिए बिना चलो जल्दी से अपना अपना सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। ओके, जूम करते हैं सिलेबस पे। ओके, सिलेबस अपना होने वाला है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होता है? सिस्टम कॉल्स बहुत सारे हैं भाई। बंद करो सिस्टम, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, फाइल ओपन करो, फाइल क्लोज करो, बहुत सारे सिस्टम कॉल्स है। जैसे फॉर्क, फॉर्क नाम का एक कॉल है। ओके, फॉर्क नाम का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया। हर बार गेट में एक क्वेश्चन तो ये फॉर्क के ऊपर आता है। फॉर्क की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक भी बार आप ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। फॉर्क की इजिएस्ट ट्रिक कहाँ मिलेगी आपको? पूरे YouTube पे कहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ। ओके, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस क्या होती है? ओके, प्रोसेस अगर मल्टीपल प्रोसेस रहे तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट है प्रोसेस के अंदर भी। प्रोसेस का एकदम छोटू सा पार्ट है थ्रेड। लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेड। लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेड। लाइट वेट क्यों होता है भाई? ऐसे ही मेरी मर्जी भाई, बहुत छोटा सा होता है। प्रोसेस रहती है ना, प्रोसेस इतनी बड़ी रही, थ्रेड, प्रोसेस के थ्रेड ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसा 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 बनेगा। ओके, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस के प्रोसेस में कम्युनिकेशन कैसे होता है? कर्नल मोड से अपने यूजर मोड में कैसे मोड चेंज होता है, मोड 0, मोड 1 कैसे होता है, ऊपर से अगर हमने कोई कमांड दे दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे ट्रीट करता है, वो सब रहेगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक में क्या है भाई, लव ट्रायंगल बन जाता है, ये उसको लाइक करता है, वो इसको लाइक करती है, वो इसको लाइक करती है, मेरा भी बन गया था। देखो कैसे होता है लव ट्रायंगल, मैं एक को लाइक करता, वो लड़की दूसरे लड़की को लाइक करती, और जो दूसरी लड़की है वो अपने को लाइक करती, समझ रहे हो? हाँ, ये लड़की लड़की को भाई लेस्बियन नाम का कंसेप्ट है, भूलना नहीं है, समझ रहे हो? भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में चलता है यार इतना तो। ओके, सीपीयू और आयो शेड्यूलिंग, सीपीयू और आयो शेड्यूलिंग
इनपुट आउटपुट प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसमें हम स्टेट्स देखेंगे, जैसे कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कब जाता है, रेडी स्टेट से आप रनिंग में कब जाते हो, रनिंग से आप एंड कब होती है आपकी प्रोसेस, नहीं तो आप आईओ परफॉर्म करने कब जाओगे, आईओ परफॉर्म करने के बाद रनिंग से प्रीमिशन होके पीछे कैसे आओगे, रेडी से आगे कैसे जाओगे रनिंग में। और आईओ शेड्यूलिंग, देखो आईओ शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीयू, देखो सीपीयू बर्स्ट होता है बाद में आईओ बर्स्ट होता है, क्योंकि देखो कोई भी अपनी प्रोसेस आई, उसको सीपीयू टाइम तो चाहिए ही चाहिए, बाद में उसको रिसोर्सेज भी चाहिए, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, जैसे कि माउस चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा मे बी बाद में, नहीं तो मेन मेमोरी चाहिए, नहीं तो सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, उधर का कुछ डेटा एक्सेस करना होगा। तो सीपीयू बर्स्ट आता है पहले, पहले देखो सीपीयू बर्स्ट आता है मतलब सीपीयू रन करता है प्रोसेस को, फिर आईओ आता है, फिर सीपीयू आता है, फिर आईओ आता है, और एंड में क्या आएगा, सीपीयू आएगा, क्योंकि एंड करनी है ना प्रोसेस को अपने। ओके, ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रहा आपको, इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है एकदम। ये वाले देखो, ये वाले प्लेलिस्ट में ज्यादा कुछ वीडियो नहीं बनेंगे, 15 वीडियो बनेंगे, 15 दिन लगेंगे, 15 वीडियो मैं डालता रहूंगा। 7 PM अपने वीडियो आते हैं डेली, आपको पता ही होगा। अभी अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट हो गई है, ये वाली भी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट देखो, पेजिंग और सेगमेंटेशन का कंसेप्ट आ गया। पेजिंग में क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ पेजेस, फिक्स साइज होती है एलोकेशन की, और यहाँ पे सेगमेंटेशन में क्या होता है, वेरिएबल साइज होती है। पेजिंग में क्या होता है, अभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, उसके भी ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक्स है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी देखो 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 देखो, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, क्या बताऊंगा मैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आपकी भाषा में सिखाता मैं। ओके, आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है उसका रैम है 8 GB, आपका लैपटॉप है उसका रैम है 8 GB। ओके, ये लैपटॉप आसूस का है, गेमिंग लैपटॉप, आसूस का गेमिंग लैपटॉप है, रैम थोड़ी कम है, कोई ना, 35 GB का अपना आता है पबजी का रियल वाला गेम, पबजी का रियल वाला गेम बोल रहा है। ओके, बॉट जैसे वो मोबाइल वाला गेम लेके मत बैठ जाना, ओके, रियल ग्राफिक्स वाला पबजी का गेम आता है। फिर 35 GB, 35 GB मेरे लैपटॉप पे रन होता है क्या? हाँ होता है, कैसे होता है, यही कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, इट इज नॉट एक कंसेप्ट है, जिधर क्या होगा, अपना रैम तो है, रैम तो 8 GB है, पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी कितनी है, मेरी सेकेंडरी मेमोरी है 200 GB, 200 GB। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इधर प्रोसेसेस को स्वाइप करती है, स्वैप, स्वैप करने से क्या हो जाएगा, जो भी पबजी की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जो कि 8 GB के आसपास आएगी, वही मैं इधर स्टोर करूंगा, और बाकी की जो नहीं लग रही, देखो आप अगर पबजी में क्या जा रहे हो, लिविक का मैप खेल रहे हो, लिविक का मैप खेल रहे हो, और आपका और एक मैप कौन सा, इरेंगल का है, इरेंगल का, आप लिविक खेल रहे हो तो इरेंगल का डाटा रख के कुछ फायदा है? नहीं है। तो इरेंगल के डाटा को सेकेंडरी मेमोरी लाएंगे, लिविक के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग ब्रो। बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे ये वाले कंसेप्ट के, आपको एकदम प्यार से मैं ये वाला चीज भी समझाऊंगा। और फाइल सिस्टम्स, अगेन फाइल सिस्टम्स कुछ नहीं है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कल से शुरू करेंगे। ओके, होपफुली ये वाला वीडियो इंट्रो के हिसाब से था, आपको इंट्रो के हिसाब से ये वाला बहुत ओवरऑल एक अच्छा सा प्यारा सा इंट्रो मैंने दे दिया है, कैसे प्रोसेस शेड्यूल होती है, कैसे हम मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर पा रहे हैं। सैमसंग का आपने अभी सैमसंग S23 देखा होगा, वो कैसे फ्लेक्स करते हैं, वो, क्या करते हैं, वो एप्स मैं कितने भी खोलू, कितना भी कुछ करूं, लैग हो रहा है क्या मेरा, नहीं, एक साथ मैं तीन तीन ऐप रख रहा हूं मोबाइल स्क्रीन पे, आईफोन वाले कर सकते हो क्या, नहीं, फिर आईफोन अपनी छपरी, आईफोन छपरी, ओके, आईफोन वाले छपरी, दो दो कैमरा वाले, ओके, दो कैमरा वाले, चलो ऐसे ही बोला, ये कुछ रिलेवेंट नहीं था, फिर भी ऐसे ही मन किया मेरा छपरी बोलने का तो बोल दिया, क्योंकि उसके पास भी आईफोन था, उसने भी फ्लेक्स किया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।